हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 13th पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के भाग 13 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, जो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 के तहत। एंड आपको याद रखना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत वो कौन से पांच टाइप के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो है इशू कर सकती है। देन हम शॉर्ट में देखेंगे पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है, उसके बारे में शॉर्ट में देखेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 226 जो है वो अथॉरिटी देता है हाई कोर्ट को रिट इशू करने का, एंड आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का अथॉरिटी देता है। तो इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आर्टिकल नंबर 32, टू मेंटेन द सैंटिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स देयर शुड बी समथिंग, जिससे पता चले कि हाँ फंडामेंटल राइट का जो अवधा है वो ऊपर है एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो वो जो सैंटिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है फंडामेंटल राइट की, वो होता है कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 32 की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट दिया गया है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, कुछ तो स्पेशल प्रोटेक्शन जो है मिलना चाहिए फंडामेंटल राइट को। तभी तो लगेगा कि हाँ फंडामेंटल राइट जो मौलिक है वो किसी से छीना नहीं जा सकता, एंड संविधान जो है इस चीज़ की गारंटी देती है। तो संविधान इस चीज़ की गारंटी कौन से आर्टिकल के तहत देती है कि फंडामेंटल राइट का हनन जो है नहीं होने दिया जाएगा, वो देती है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 का टाइटल जो है वो दिया गया है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मींस पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे रेमेडी की बात की जा रही है। तो रेमेडी जो है कब दी जाती है? रेमेडी तब दी जाती है जब चोट लगी हो या जब कुछ बीमारी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेमेडीज की बात की यूज की जा रही है क्योंकि यहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी अंडर आर्टिकल नंबर 32। एंड आर्टिकल नंबर 32 के अंदर चार क्लॉज हैं। पहला जो क्लॉज है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे गारंटी मिलता है फॉर रिमेडी, यानी फंडामेंटल राइट का हनन होता है वो फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एंड अगर कोई पर्सन है जिसको लगता है कि फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, देन दैट पर्सन इज अलाउड टू डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बाकी के केसेस में क्या होता है, आप लोअर कोर्ट्स में जाते हैं एंड फिर लोअर कोर्ट्स के फैसले से आप खुश नहीं है, एंड इफ यू वांट टू अप्रोच टू द हायर कोर्ट एंड वहां पे कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया दैट दिस केस इज फिट फॉर अपीलिंग इन हायर कोर्ट, तब आप हायर कोर्ट जा सकते हैं। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है देन आपके पास ये पूरा अथॉरिटी है, पूरा पावर है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का वहाँ पे आप मूव हो सकते हैं, एंड वहाँ पे ये बात जो है सुनिश्चित की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको प्रॉपर फैसला सुनाएगी ही सुनाएगी, प्रॉपर जो जस्टिफिकेशन है वो किया जाएगा। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस जो है देने की बात जो है वो झलक के आती है फंडामेंटल राइट के बारे में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो डायरेक्टली जो टॉप लेवल का जो कोर्ट है अपने कंट्री में हम वहाँ पे अप्रोच करने का पावर रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ के लिए आपको टाल मटोल नहीं कर सकती। मीन्स आप अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो फंडामेंटल राइट के हनन के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये कोई एक्सक्यूज देने का कोई भी कारण जो है नहीं बनता है। ये नहीं कह सकती सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप हाई कोर्ट में चले जाओ या किसी और कोर्ट में चले जाओ। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो है ड्यूटी बनती है कि वो आपको जस्टिफिकेशन जो है वो दे उस पॉइंट पर। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 2 जो है वो देखते हैं। सो आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारेंटो एंड सर्टियोररी व्हिच एवर मे बी एप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट। सो यहाँ पे कहा जा रहा है दैट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकती है, ऑर्डर्स दे सकती है या फिर रिट्स जो है वो इशू कर सकती है। रिट्स का मतलब क्या होता है? रिट का क्या मतलब होता है? तो रिट का मतलब होता है रिटन कमांड। ठीक है,
सो रिटन रूप में कमांड जो है सुप्रीम कोर्ट वो भी इशू कर सकती है. एंड बेसिकली जो रिट है वो पांच टाइप के है. पहला जो है हैबियस कॉर्पस है, सेकेंड मैंडमस है, थर्ड जो है प्रोहिबिशन है, फोर्थ जो है क्यू वारंटो है, एंड फिफ्थ जो है वो सर्टियोररी है. इन सारे रिट्स को डिटेल में हम देखेंगे इसी वीडियो में. ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 32 के पार्ट 3 में. आर्टिकल नंबर 32 का पार्ट 3 जो है वो ये कहता है कि बिना किसी पक्षपात के पार्लियामेंट के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो दूसरे कोर्ट को वो पावर दे सकती है जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2. ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अगर चाहे तो उन पावर्स को दूसरे किसी कोर्ट को भी दे सकती है जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास मिले हुए हैं बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू कन्फर द पावर टू इशू रिट्स टू अदर कोर्ट्स. ओके, देन आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 4 जो है वो कहता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में. तो यहाँ पे कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 32 जो है ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है, तो ये क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है तो इसको रैंडम वे में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, या फिर मनचाहे तरीके से गवर्नमेंट जो है इसको सस्पेंड नहीं कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके बेसिस पे ही फंडामेंटल राइट को जो है वो एब्लिश किया जा सकता है या फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है लाया जा सकता है. तो यही बात जो है कही गई है आर्टिकल नंबर 32 के क्लॉज 4 के अंदर, दैट द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी जब इमरजेंसी लागू की जाएगी तो ही ये जो फंडामेंटल राइट है इसको सस्पेंड किया जाएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल कंडीशन में सस्पेंड नहीं हो सकता है. सो ये किस लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, सो इन पॉइंट्स के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि फंडामेंटल राइट की जो सैंटिटी है उसका जो स्पेशल स्टेटस है वो मेंटेन होके रह सके. ओके, देन ये जो रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव नहीं है. अब ये एक्सक्लूसिव नहीं है इसका क्या मतलब है, तो अगर रिट इशू करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता तो हम कहते हैं कि वो एक्सक्लूसिव राइट है सुप्रीम कोर्ट का. बट यहाँ पे हमने क्या देखा है कि आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाईकोर्ट को भी तो ये पावर दिया गया है रिट ज्यूरिडिक्शन का. तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास भी अवेलेबल है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है रिट इशू करने का. रिट ज्यूरिडिक्शन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट जो है कैरी नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट. ओके, देन रिट ज्यूरिडिक्शन जो है वो एंजॉय किया जाता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा. बट हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा कि पार्ट आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 3 जो है उसके तहत कहा गया है कि ये पावर पार्लियामेंट के पास दिया जाता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये जो पावर्स है वो किसी और कोर्ट को भी दे सकती है. ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करने का पावर रखती है, एंड आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करने का पावर रखती है. ठीक है, अब आते हैं PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है. सो PIL जो है उसका दौर 1980 के बाद से इंडिया में जो है स्टार्ट हुआ. ठीक है, सो उससे पहले क्या होता था, 1980 से पहले क्या होता था कि जो एग्रीव पर्सन था उसी को सिर्फ ये राइट था कि अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. बट अगर कोई ऐसा सिटीजन है जिसको यही नहीं पता है कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कहाँ पे जाने से उसको जस्टिफिकेशन मिलेगा, तो उस केस में इस बंदे का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ एंड ही इज नॉट हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, तो उसका क्या हुआ, उसका तो बस फंडामेंटल राइट का हनन ही हुआ एंड उस बेचारे को पता भी नहीं चल रहा है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बात कही जाती है अंडर आर्टिकल नंबर 39A कि जो सरकार है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि हर किसी को लीगल एड, फ्री एंड लीगल एड जो है मिले, या फिर ये जो लीगल प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने की बात जो है आर्टिकल नंबर 39A के तहत जो है कही गई है. तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो एग्रीव पर्सन है उसको तो जस्टिफिकेशन कभी मिलेगा ही नहीं बिकॉज उसको पता ही नहीं चलेगा. तो यहाँ पे फिर एक अल्टरनेटिव निकाला गया, एक नया जो दौर है वो स्टार्ट हुआ कि अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल है उसको अगर लगता है कि हाँ इसका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, या फिर कोई बड़ा सा ग्रुप है, बड़ा या छोटा कोई भी ग्रुप है, इनका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो ये जो पर्सन है इनके लिए डायरेक्टली PIL जो है फाइल कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट का हनन जो है हुआ है. तो इस तरीके से PIL जो है इसने रेवोल्यूशन लाया है इंडिया में, एंड
जस्टिस पी एन भगवती एंड जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर जो हैं वो उन कुछ चुनिंदा जजेज में से हैं जिन्होंने पीआईएल जो है एडमिट किया इंडिया में पहली बार. एंड यहाँ पे कहा गया कि प्रोसीजर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्टिस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए पीआईएल का दौर जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ. एंड 1980s के बाद से हम देखते हैं कि ये अब कंपलसरी नहीं है कि जिस इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है वही जो है अप्रोच कर सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफिकेशन के लिए. ठीक है, तो ये बात आती है पीआईएल के तहत. एंड आपको एक नाम याद रखना होगा, पुष्पा कपिला हिंगो रानी. पुष्पा कपिला हिंगो रानी या फिर सिंपली अगर हम कहें कपिला हिंगो रानी, इनको मदर ऑफ इंडियन पीआईएल कहा जाता है. इन्होंने एक पीआईएल फाइल किया था उन कैदियों के लिए जो कैदी बिहार के जेल में जो है कैद थे एंड विदाउट हैविंग एनी ट्रायल उनको जो है बहुत टाइम से जेल में रखा जा रहा था. तो इन्होंने हैबियस कॉर्पस का जो है रिट की डिमांड किया था एंड फिर ये जो केस है चला था पीआईएल के थ्रू, पीआईएल जब इन्होंने दाखिल किया था उसके बाद. एंड जब ये पीआईएल हुआ एंड जब ज्यूडिक्शन आया उसके कुछ दिनों के बाद ही, कुछ वीक्स के बाद ही ऑल ओवर इंडिया से 40,000 जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया गया ऑल ओवर इंडिया. सो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो आया था कपिला हिंगो रानी के पीआईएल की वजह से. दैट्स वाई कपिला हिंगो रानी जो हैं उनको मदर ऑफ इंडियन पीआईएल कहा जाता है. और ये जो पीआईएल का जो ये फिलॉसफी है ये हमने कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे इसको अपने इंडियन कल्चर में इनहेरिट किया है यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कल्चर चल रहा था वहां से. सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाने से क्या फ़ायदा हुआ, तो इससे जो वीकर सेक्शन है उसका वेलफेयर जो है सोसाइटी में वो अब देखा जा रहा है कि ज़्यादा हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो वीकर सेक्शन है दे आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट फंडामेंटल राइट्स, किस तरीके से अप्रोच किया जाए, क्या हो क्या नहीं, उनको कुछ नहीं पता है. सो उनके जगह पे कोई और जो इंडिविजुअल है उनके लिए जस्टिस की डिमांड जो है कर सकता है. सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका से इस चीज़ का जो है फ़ायदा हुआ. देन इसकी वजह से क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू का जो एम्बिट है वो एक्सपेंड हुआ, इसका जो दायरा है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 39A को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है एंड उसके तहत कहा गया दैट स्टेट शैल सिक्योर दैट द प्रमोशन ऑफ लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड. ठीक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू आर्टिकल नंबर 39A डीपीएसपी के तहत जो है, तो उसी को फॉलो करने की कोशिश की गई है एंड जुडिशियल सिस्टम को जो है लोगों तक जो है पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी को भी जस्टिफिकेशन के लिए जो है स्ट्रगल ना करना पड़े, इजीली जो है जस्टिफिकेशन उसको दिया जा सके. ठीक है, अब देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में. सो ब्लैक लॉ डिक्शनरी को अगर हम देखें तो उसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो डिफाइन किया गया है फिलोसफी एक टाइप की जिसके अंदर जो जजेज हैं वो पर्सनल व्यू जो है वो लेके आते हैं एंड जस्टिफिकेशन जो है देते या फिर किसी केस की सुनवाई जो है करते हैं. सो यहाँ पे पर्सनल व्यू जो है जजेज के वो रिफ्लेक्ट होते हैं एंड बेसिकली जो भी जज बना है वो भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन है. सो इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया जाने लगा कि नई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स लिखे गए हैं सिर्फ उसी के बेसिस पे जस्टिफिकेशन देना जरूरी नहीं है. तो यहाँ से ये जो चीज़ आई, जुडिशियल एक्टिविज्म जो आई, उस फिलॉसफी के तहत जो जजेज हैं वो अपने पर्सनल व्यूज हैं वो भी एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. ठीक है, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है. जिस तरीके से हर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है. ठीक है, सो कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो कुछ ना कुछ उसके अंदर बुराई होगी एंड कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जो है, तो बस हमें देखने की ज़रूरत है, हमारे नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है. उसी तरीके से ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इससे नो डाउट बहुत सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव भी हुई हैं बट कुछ ना कुछ जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है कि हमने क्या कर रखा था, तो हमने एग्जीक्यूटिव
जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों को हमने इंडिपेंडेंट रखने की हमेशा से कोशिश की है। बट अगर देखा जाए तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो स्टार्ट हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं एक लिमिट तक होना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है कि ये जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के जो दायरे हैं उसके अंदर। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो होना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जजेस, जो जजेस हैं, जो वकील्स हैं, उन सबको इन सब चीज़ों का ध्यान जो है रखना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को यूज़ करो, आपके पास ये फ्रीडम है। फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक लाइन जो है वो मेंटेन हो के रहे, एंड हम अगर अपने दायरे के अंदर रह के चीज़ों को बोलें, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएं, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि हमने हर चीज़ को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की है। बट अगर हम ही खुद अगर दूसरे के बाउंड्री में पेनिट्रेट कर रहे हैं, देन नो डाउट ये जो बॉडी है ये भी यहाँ पे फिर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, एंड इस तरीके से फिर क्या होगा, एक स्ट्रगल जो है तीनों के बीच में चालू हो जाएगा। एंड इन तीनों के बीच में अगर स्ट्रगल चालू हो गया तो फिर जो पूरा डेमोक्रेसी है वो हिल सकता है। सो वी शुड कीप दिस थिंक इन आवर माइंड। फिर अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वो बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट जो जजेस हैं वो जस्टिफिकेशन के लिए अपनी बातें जो हैं रखते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी अकाउंटेबिलिटी जो है पड़ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हैं वो भी हुए हैं, एक चेक एंड बैलेंस का जो है काम वो जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा जो है झलक के आया है अभी के टाइम पे। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 के बीच में क्या डिफरेंस है। सो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल नंबर 32 जो है अपने आप में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 226 जो है वो क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत रीट इशू करने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के हनन के केस में, ठीक है। मीन्स फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है एंड उस केस में कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो ही सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है। बट इन केस ऑफ आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि फंडामेंटल राइट के हनन के केस में भी वो रिट इशू कर सकते हैं, एंड दूसरे जो राइट्स हैं, दूसरे जो लीगल राइट्स हैं उसके केस में भी हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 226 का स्कोप जो है, दायरा जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू जो दायरा आर्टिकल नंबर 32 के पास मिला हुआ है, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बॉन्ड है, मीन्स अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये नहीं कहेगी कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मेरे पास पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप हाई कोर्ट चले जाओ या किसी और कोर्ट में चले जाओ, मैं आपको जस्टिफिकेशन जो है इस चीज पर नहीं दे सकता, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ हाई कोर्ट अगर देखे तो हाई कोर्ट के ऊपर कोई बाइंडिंग नेचर का ऐसा कोई चीज नहीं है, वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी जो है आपको दे सकती है कि भाई आप ऐसा ऐसा करो अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो टॉप मोस्ट कोर्ट है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो आपको मना नहीं कर सकती है जस्टिफिकेशन के लिए इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन आर्टिकल नंबर 32 जो है इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड होता है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो खुद फंडामेंटल राइट है, हम देखते आए हैं कि फंडामेंटल राइट जो है उसको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। देन आर्टिकल नंबर 226 जो है ये सस्पेंड नहीं होता है। देन आर्टिकल नंबर 32 जो है इसका ज्यूरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है, यानी इंडिया के किसी भी कोने से कोई इंडिविजुअल जो है वो अगर कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि उसका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे जस्टिफिकेशन देगी। बट इन केस ऑफ आर्टिकल नंबर 226 क्या होता है कि अगर वो जो एरिया है वो उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन एरिया में फॉल होता है तो ही वो जो अपील है वो इंटरटेन की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, अदरवाइज वो नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 के बीच में। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि आर्टिकल नंबर 226 का स्कोप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो टॉप मोस्ट कोर्ट है इंडिया का, तो क्यों ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट का जो स्कोप है वो ज्यादा रखा गया इन केस ऑफ रिट ज्यूरिडिक्शन। तो उसका कारण ये है कि हाई कोर्ट जो है इंडिया में बहुत सालों से चल रहे थे, ब्रिटिश एरा से चल रहे थे, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमने आज़ादी के बाद से
उसको स्टैब्लिश किया हुआ है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल नंबर 32 जो है उसको लिख दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. बट क्योंकि ये जो हाई कोर्ट थे ये बहुत सालों से चल रहे थे, तो वो बहुत टाइप के जो लॉज थे उसके साथ ऑलरेडी पहले से डील कर रहे थे, इसीलिए इस चीज़ को छोड़ दिया गया कि हाँ पहले से जो तुम केसेस जो है डील करते आ रहे थे उनको भी डील करो, बट साथ ही साथ फंडामेंटल राइट को भी आप डील करो. तो इस वजह से जो आर्टिकल नंबर 226 है उसका स्कोप जो है, उसका दायरा जो है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू स्कोप ऑफ आर्टिकल नंबर 32. अब देखते हैं रिट्स के बारे में. सो फर्स्ट टाइप का जो रिट है दैट इज नोन एज हेबस कार्पस. ठीक है, हेबस कार्पस. हेबस कार्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. टू हैव द बॉडी ऑफ का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार के उसको जज के सामने प्रस्तुत करो. नहीं, अगर कोई बंदा गायब है या फिर अगर उसको जेल में कैद करके रखा हुआ है एंड हेबस कार्पस रिट अगर इशू किया गया, दैट मीन्स उस पर्सन को अब पेश होना होगा जज के सामने. यानी जो एग्जीक्यूटिव है, जो पुलिस है, उसकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस पर्सन को जज के सामने पेश करे. ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. तो एक दो महीने पहले का न्यूज था कि एक जो कपल है उन्होंने लव मैरिज किया हरियाणा के अंदर, एंड जो लड़का लड़की थे उनके घर वालों को ये जो चीज़ है पसंद नहीं थी. बेसिकली जो लड़की वाले थे उनके घर वालों को ये जो चीज़ है पसंद नहीं थी, एंड वो नहीं चाहते थे कि ये जो शादी है वो हो. सो जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर इस लड़के को लड़की के घर वाले जो इन्वाइट करते बुलाते हैं, एंड फिर जब ये जाता है उसके बाद फिर लड़की को वहाँ पे जो है रख लिया जाता है, मीन्स उसको जाने नहीं दिया जाता, एंड इसके ऊपर फिर कुछ केसेस जो हैं बनाए जाते हैं, एंड फिर पुलिस कंप्लेंट जो है की जाती है, उसके बाद इस बंदे को अरेस्ट किया जाता है, फिर लीगल मैटर जो है स्टार्ट होता है, दोनों पार्टीज वकील करती हैं, एंड जब ये केस हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो ये जो पर्सन है वो बोलता है कि इसकी जो वाइफ है उसको गैप कर दिया गया है. ठीक है, क्योंकि लड़की के घर वाले जो हैं वो इस लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगवाते हैं कि इस लड़के ने इनकी बेटी को गैप करवा दिया है. तो केस जो है इस बंदे के ऊपर बना. तो जब हाई कोर्ट में पहुंचा ये बंदा तो वहाँ पे इस बंदे ने डिमांड किया हैबियस कॉर्पस रिट का. ठीक है, तो जब हाई कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस का रिट जो है इशू किया उसके बाद फिर सर्च स्टार्ट होता है इस लड़की के लिए, एंड ये जो लड़की है बाद में मिलती है अपने ही रिलेटिव्स के घर पे. ठीक है, लड़की वालों ने अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे इसको छुपा रखा था, एंड इल्ज़ाम जो है इस लड़के के ऊपर आया था. सो इस लड़के ने क्या किया, हैबियस कॉर्पस रिट का डिमांड किया. सो हैबियस कॉर्पस रिट जब इशू किया गया इस लड़की के नाम पे तो इसको ढूंढा गया एंड पाया गया कि ये अपने ही रिलेटिव के यहाँ पे कैद करके रखी गई है. सो ये जब मामला पूरी तरीके से साफ हुआ तब जजेस ने जो है ज्यूरिडिक्शन दिया, एंड फिर जो लड़की के घर वाले थे उनको जो है पनिश किया गया. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हैबियस कॉर्पस जो है वो इशू किया गया था. क्यों इशू करवाया गया था, क्योंकि ये जो लड़की थी इसको गैप कर दिया गया था. तो जब हैबियस कॉर्पस रिट इशू करवाया गया इस लड़की के नाम पे तो फिर इसको जो है पेश किया गया कोर्ट में, एंड फिर इन्होंने अपने जो है पॉइंट्स रखे, फिर इनके फैमिली वालों ने पॉइंट्स रखे, उसके बाद प्रॉपर जो जस्टिफिकेशन है वो किया गया था. ठीक है, सो ये होता है हैबियस कॉर्पस. अब देखते हैं मैंडमस. सो मैंडमस में आपको याद रखना है कि ये किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता. ठीक है, आपको याद रखना है, माइंड इट. हम आपको कमांड देते हैं कि आपको ऐसा करना है या आपको ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिस है, अगर उसको कुछ काम जो है बोला गया है या फिर उसका कुछ दायरा है एंड उस दायरे में रह के वो काम नहीं कर रही है या फिर वो कुछ ज़्यादा ही इस दायरे से बढ़ के काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंडमस रिट जो है इशू किया जाएगा. बट यहाँ पे आपको याद रखना है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में ये रिट जो है इशू नहीं किया जाता है. ये गवर्नमेंट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही ये जो रिट है वो इशू किया जाता है. किस लिए, तो कुछ वो करें, मीन्स उनको कुछ डायरेक्शन दिया गया है कि आप ये चीज करो, आप ये जो चीज है ये आपकी ड्यूटी है, बट यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर सपोज टू डू दिस. ठीक है, तो कुछ काम करवाने के लिए या फिर वो कुछ ऐसा काम कर रहे जो उनके ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं, जो उनके अंडर में आते नहीं है. ठीक है, तो उन कामों को रुकवाने के लिए भी मैंडमस जो है वो इशू करवाया जाता है. तो मैंडमस का मतलब क्या हो गया कि कमांड दिया जा रहा है कि भाई तुम ये काम करो या फिर तुम ये काम मत करो. ठीक है, इसके लिए मैंडमस रिट जो है वो इशू किया जाता है. एंड ये उन
ऑफिसेस के अगेंस्ट में किया जाता है जो जिनका जो नेचर ऑफ ड्यूटी है वो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक के लिए वो जो हैं वो काम करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में ही ये जो चीज़ है इशू की जाती है। अब इसके अंदर देखते हैं दैट इट कैन बी इशूड बाई अ कोर्ट ओनली अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी और अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी या फिर कोई इंडिविजुअल जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हुए उसके अगेंस्ट ही मैंडमस जो है इशू किया जा सकता है। ये नहीं इशू किया जा सकता है किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में। कोई भी ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई पब्लिक पर्पस है ही नहीं, मीन्स पब्लिक ड्यूटी उसकी नहीं बनती है, तो उसके अगेंस्ट में ये जो रेट है वो इशू नहीं किया जा सकते। एंड साथ ही साथ ये जो रेट है मैंडमस का, ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को नहीं कहा जा सकता है मैंडमस रेट इशू करके कि आपको ये काम करना चाहिए था पर आपने क्यों नहीं किया, या फिर ये काम आपको नहीं करना चाहिए था आपने क्यों नहीं ऐसा किया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के अगेंस्ट में मैंडमस रेट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। ओके, अब आते हैं प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? स्टे लगाना, स्टे ऑर्डर लगाना। सो दिस रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड नॉट अगेंस्ट नॉन जुडिशियल बॉडी। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? तो प्रोहिबिशन रिट जो है ये जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही इशू की जाती है। दिस पिटिशन कैन बी फाइल्ड ओनली बाई द एग्रीव पर्सन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो पिटिशन है ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीव पर्सन के द्वारा ही फाइल की जा सकती है। दिस रिट इज इशूड व्हेन अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी टेक्स अप अ केस फॉर हियरिंग इन एक्सेस और इन एब्सेंस ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखना है प्रोहिबिशन के प्रोहिबिशन रेट के केस में? तो ये जो रेट है ये किसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है? तो कोई जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी है वो अगर किसी केस की हियरिंग कर रही है या फिर कुछ ऐसे केसेस को उसने अपने अंडर में ले लिया है जो उसके दायरे के बाहर हैं, तो ये जो रेट है इशू किया जाएगा, प्रोहिबिशन रेट जो है इशू किया जाएगा, यानी स्टे ऑर्डर लगाया जाएगा कि भाई आपका ये जुडिक्शन एरिया है ही नहीं, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो इसके अंदर, यू प्लीज स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। वहां पर फिर रोकने की कोशिश की जाए आती है। पर्पस क्या है? टू प्रोहिबिट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर विद द केस। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, प्रोसीडिंग फर्दर यानी वो जो केस है चल रहा है एंड बीच में ही जो हायर कोर्ट है वो रिट इश्यू करेगी प्रोहिबिशन का कि भाई आप अपने दायरे को कंट्रोल में रखो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, आप अपना दायरा जो है कंट्रोल कर रहे हो, सो आप यहीं पर रुक जाओ। उसके बाद फिर वो जो केस है वहां पे रुक जाएगा उस लोअर कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे वो जो केस है उसकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, केस जो है चल रहा है, इन प्रोसेस है, एंड बीच में ही प्रोहिबिशन रिट जो है वो इशू किया जाता है जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी को, ठीक है। अब देखते हैं सर्टियोरिटी। सर्टियोरिटी का मतलब होता है सर्टिफिकेट देना, टू बी सर्टिफाइड। सो सर्टियोरिटी रिट जो है प्रोहिबिशन रिट से सिमिलर है, बस इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है कि सर्टियोरिटी रिट जो है तब इशू किया जाता है जब केस की सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी हो, ठीक है। प्रोहिबिशन में हमने क्या देखा कि केस की सुनवाई चल रही है एंड उसी बीच में वो जो एग्री पर्सन था अगर उसने फाइल कर दिया कि ये जो जजमेंट है ये अपने दायरे के बाहर से जा रहे हैं या फिर ये केस ये लोग हैंडल कर ही नहीं सकते फिर भी ये केस इन्होंने हैंडल किया हुआ है, तब वहां पे रोका जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है सर्टियोरिटी में कि उस लोअर कोर्ट ने अपना ज्यूरिडिक्शन जो है दे दिया, अपना फैसला जो है दे दिया, अपना ऑर्डर जो है पास कर दिया, उस ऑर्डर को जो पास कर दिया गया लोअर कोर्ट के द्वारा उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए सर्टियोरिटी जो है रिट जो है वो इश्यू किया जाएगा, या फिर ये एक और केस में इश्यू किया जाता है केस को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। केस को जब ट्रांसफर करना हो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में तो सर्टियोरिटी रिट जो है वो इश्यू किया जाता है। इट इज सिमिलर टू प्रोहिबिशन रिट इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट इट इज इशूड आफ्टर ए जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी हैज कम्प्लीटेड ए ट्रायल। ओके, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ट्रायल जो है कम्प्लीट कर लिया है एंड उन्होंने अपना जो जजमेंट है वो सुना दिया है, कुछ डायरेक्शन जो है या कुछ ऑर्डर जो है वो दे दिए हैं इन एक्सेस और इन एबसेंस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, यानी उनका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है मीन्स उनको जितना जजमेंट जो है सुनाना चाहिए, जितनी सजा देनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा उन्होंने दे दी, या फिर इन एब्सेंस ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन यानी वो चीज़ जो उनके दायरे में फॉल ही नहीं होती फिर भी उस चीज़ को उन्होंने अपने दायरे में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने किसी के मर्डर केस को अपने अंडर में ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उस चीज़ से
रिगार्डिंग वहाँ पे केस होना चाहिए। सो मर्डर वर्डर का केस जो है वो कहीं और पे होना चाहिए, उसके लिए अलग चीज़ें हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ इट ज्यूरिडिक्शन, यानी अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया से बाहर निकल के उन्होंने उन केसेस को हैंडल करने की कोशिश की। तो इनको नलीफाई करने के लिए फिर जो है रिट इशू किया जाता है, दैट इज नोन एज सर्टियोररी। ठीक है, पर्पज़ क्या है सर्टियोररी का, टू नलीफाई द जजमेंट गिवन बाई लोअर कोर्ट्स, जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल जो बॉडी है उनके द्वारा जो जजमेंट सुना दिया गया है उनको नलीफाई कर दिया जाएगा, यानी वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा एंड उस चीज़ की जो है वापस से सुनवाई जो है की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्यू वारंटो। सो क्यू वारंटो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वाट इज योर ऑथोरिटी, तुम्हारी क्या अथॉरिटी है कि तुम इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुआ। ठीक है, तो यहाँ आपको आपको याद रखना होगा कि ये जो रेट है ये इशू किया जाता है ओनली अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, यानी कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसने पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है उसके अगेंस्ट ही ये जो है रेट इशू किया जा सकता है, एंड ये किसी के द्वारा भी इशू मतलब करवाया जा सकता है। मीन्स कोई भी जो है पर्सन वो पिटिशन फाइल कर सकता है क्यू वारंटो रेट के लिए। फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक ऑफिस है वहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है पोस्ट होल्ड किया हुआ है, बट आपको लगता है कि ये जो इंडिविजुअल है इसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, ये घूसखोरी से या फिर कैसे भी करके यहाँ पे घुस गया है, एंड आपको अगर ऐसा लगता है एंड आप श्योर हो तो आप रिट पिटीशन के लिए फाइल कर सकते हो, क्यू वारंटो रिट पिटीशन जो है आप डिमांड कर सकते हो, एंड फिर उसके ऊपर फिर जो है इंक्वायरी जो है रखी जाएगी, देखा जाएगा कि हाँ ये जो पर्सन जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है ये रियली फिट है या नहीं है, या ये किसी इलीगल वे में घुस चुका है सिस्टम के अंदर इसने और पोस्ट होल्ड जो है कर रखा है। सो अगर ये जो रिट है ये इशू हो जाती है क्यू वारंटो अगर इशू हो जाता है, सो उस पर्सन को पब्लिक ऑफिस से इमीडिएट इफेक्ट के साथ हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि मान लो कि कोई पोस्ट होल्ड किया हुआ है बंदा इस ऑफिस में, तो आप इससे पूछ रहे हो, आपको डाउट है कि भाई इसके पास वो जो है अथॉरिटी है या नहीं है, वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है कि वो इस पोस्ट को होल्ड कर सकता है। सो यू कैन जस्ट गो ओवर दैट पर्सन एंड यू कैन आस्क, भाई क्यों तुम यहाँ बैठे हो, क्या सच में तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इस पोस्ट को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है क्यू वारंटो रिट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 32। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।